अस्सलाम वालेकुम बच्चों, सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम तस्लीमा। रब्बि इग़फिर व अरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है हमज़ा नवाज़ और आप देख रहे हैं चैनल ईमान बैच। और इस चैनल में आपको फिज़िक्स भी मिल रही है, नाइन्थ क्लास की मैथ्स भी मिल रही है, और साथ साथ फर्स्ट ईयर की नेशनल बुक फाउंडेशन की केमिस्ट्री भी आपको मिल रही है, जिसकी फ़िलहाल 5-6 लेक्चर्स हुए हैं। लेकिन पहले जो 4-5 लेक्चर्स हैं वो तो आपको पता होने चाहिए कि पहला आप जो पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वो क्या चीज़ है। तो पहला हमारे तक अभी एक लेक्चर हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो केमिस्ट्री भी आप इस लेक्चर में देख सकते हैं। नाम है ईमान बैज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स। तो बच्चों मैथमेटिक्स के 2 क्वेश्चन हुए थे, क्वेश्चन नंबर 4 के 2 क्वेश्चन हो गए थे मुझे याद है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 9 - 7i, 3+i सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका। अच्छा ठीक है, a+b i की फॉर्म में ये क्वेश्चन लिखना है। बच्चों देखें, मुश्किल ना भी रहे किसी के लिए, वेरी इजी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं आपको, वेरी इजी तरीके से, ताकि आप समझें। 3+i है बेटा, तो इसको आपने इसकी उधर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3+i है तो 3 - i से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। इसको कहते हैं बच्चों रैशनलाइज करना, रैशनलाइज करना। 3+i था तो 3 - i से आपने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो ये आपने क्या कर दिया बच्चों, रैशनलाइज कर दिया। ठीक हो गया। अब देखिए 9 - 7i, 3 - i, a+b है। चलें पहले जोड़ के लिख लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई तो दरमियान में, और पैरेंथीसिस का मतलब भी क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई। तो ये स्टेप और इस स्टेप में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, पैरेंथीसिस और मल्टीप्लाई एक ही चीज़ है। आगे देखें, 9 × 3 = 27, 9 को 1 i से मल्टीप्लाई किया, 9i आएगा, माइनस 7 × 3 = 21i, माइनस प्लस, और 7 को 1 से किया 7, और i को i से किया तो i² आ गया। ठीक हो गया भाई, इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है बेटा, 1 है इसके साथ। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, 7 × 3 = 21, माइनस प्लस माइनस तो माइनस का निशान आएगा, जो साइन बनता होगा वो साइन आएगा, क्योंकि दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 3+i, 3 - i, इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे यार तुम, यार अगर मल्टीप्लाई इसको नहीं करते तो आप इसका फार्मूला लगा लें, a² - b² अब बच्चे के जहन में ये आता है कि शायद फार्मूला कोई और चीज़ है, मल्टीप्लाई कोई और चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। चलो मल्टीप्लाई करके देखो, 3 × 3 = 9, 3 को i से किया क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 i को 3 से किया प्लस 3 i, और प्लस माइनस माइनस आयोटा से किया, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो वही आता है, अगर फार्मूला तुम लगाओ तब भी वही आएगा, 9 - i² फार्मूला ना लगाओ, मल्टीप्लाई करो तब भी वही आएगा। तो बात एक ही है, सिंप्लीफाई करके उन्होंने फार्मूला लगा बना दिया इसको, a+b है (a - b) है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा a² - b², तो 9 - i² आ गया, इस तरफ भी तो 9 - i² ही आता है। 27 आगे देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है बच्चों, 21 और 9 हो जाते हैं 30 i। ठीक है, समझ आई बात, माइनस माइनस प्लस हो गया, आयोटा वाली आपस में ऐड होंगी, आयोटा वाली आपस में हल होंगी रकमें, माइनस माइनस प्लस 21 और 9 30 हो गई आयोटा, आयोटा स्क्वायर नहीं आएगा, 21 i में 9 i जमा किए तो कितने आयोटा बन गए, 30 i। अब समझ आ गई बात, बड़ी रकम के साथ कौन सा निशान है माइनस का, माइनस आ गया। प्लस 7 i² की वैल्यू पुट करेंगे -1, और नीचे 9 - i² की वैल्यू पुट की -1, 27 - 30i + -7 आ गया, 9 - -+1। ठीक हो गया। अच्छा 27, अब ये इसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, तो ये आपस में हल हो जाएंगे, 27 में से माइनस की 7 तो 20 आ गया, -30i नीचे क्या आ गया, 10 बच्चों इसके साथ भी नीचे है, इसके साथ भी नीचे है। ठीक है, इसको अलग-अलग करके लिख लिया तो क्या आ गया, आंसर आ गया, आंसर कम्स टू बी 2 - 3i इज आंसर। नोट्स करेंगे इसको, नोट्स में डालेंगे और प्रैक्टिस करेंगे।
पहले पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करें, 5 मिनट लगें, 10 मिनट लगें, आराम सुकून से आप खुद पहले पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर हो जाए तो ठीक है, फिर अगर देखना चाहें कि मेरी कोई गलती है या नहीं और अगर ना सॉल्व हो तो फिर इस तरीके से आप ये वीडियो देख के सॉल्व कर लिया करें। ठीक है, चलिए अरेज करने लगा हूँ मैं आपको, स्क्रीन शॉट ले लें, अगर स्क्रीन शॉट नहीं लेना चाहते तो नोट कर लें, अगर नोट भी नहीं करना चाहते तो नहीं बच्चों नोट आपको करना पड़ेगा, नोट नहीं करेंगे तो पेपर में फिर आप भूल जाएंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करें, प्रैक्टिस किया करें, अपने हाथ से लिख कर करेंगे तो तब मैथ के क्वेश्चंस इजी होंगे, पेपर में फिर मसला नहीं करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है और चलें, टू माइनस थ्री क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, टू माइनस 6 आयोटा, 3 प्लस आयोटा, 4 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा। चलिए अब देखें, इनके दरमियान जो साइन है वो नेगेटिव का है, मल्टीप्लाई का साइन इनके दरमियान नहीं है, इनके दरमियान जो साइन है बच्चों वो नेगेटिव का है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। तो देखें आप क्या होगा, मैं इस चीज़ को आपको यहाँ समझाता हूँ। देखें 6 है, ताकि जो नलायक, नलायक तो है नहीं कहना चाहिए, जो बच्चा जिसको मैथ वेरी मुश्किल लगती है, वेरी डिफ़िकल्ट लगती है, उसके लिए भी कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, तो इसके लिए देखें 2 है, नीचे 2 है, तो मैं एलसीएम क्या आएगा इसका भाई, एलसीएम आएगा 2 ही, इधर जो होता है वो एलसीएम होता है 2, तो एलसीएम आ गया 2, 2 पर कितनी दफ़ा जाता है, एक दफ़ा, एक को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 आ गया, प्लस 2, 1 आर 2, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। तो ऊपर वही रकमें आती हैं, अगर नीचे एलसीएम 2 हो, इधर भी 2, इधर भी 2, तो ऊपर वही रकमें आएंगी। यहाँ भी आप देखें 3 प्लस आयोटा दोनों के नीचे है, तो एलसीएम आ गया, ऊपर वही रकमें आएंगी 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा। यहाँ तक समझ आ गई, बिल्कुल इसे रिलेट करें तो यही चीज़ बनती है। आगे देखें 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 माइनस प्लस माइनस आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस आयोटा। ठीक, यहाँ तक समझ आई बात, आप इसको और इसको आपस में रिलेट करके बच्चों देख लें। सही, आगे देखिए 2 माइनस 6 आयोटा और माइनस आयोटा कितनी बनती है, माइनस 7 आयोटा, और माइनस 4 को मैंने इस साइड पर लिख दिया, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, 3 प्लस आयोटा, 4 में से 2 गए तो माइनस 2 माइनस 7 आयोटा, 3 प्लस आयोटा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने अब बना है, ये बच्चों क्वेश्चन बन गया है पहले की तरह का क्वेश्चन, जो पहले क्वेश्चंस हुए थे, जो पहला जो क्वेश्चन इससे पहले किया था वो क्वेश्चन था यहाँ से, तो ये इससे थोड़ा सा पीछे आप चले जाएँ तो पीछे से बनता बनता अब वो पिछला क्वेश्चन बन गया। अब आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, आगे देखिए माइनस 2 माइनस 7 आयोटा, 3 प्लस आयोटा, आप रैशनलाइज कीजिए, 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा। चलिए तो अब देखें, आप मैंने फार्मूला नीचे लगा ली है, तो आप फार्मूला लगाएं चाहे मल्टीप्लाई करें इसको इसके साथ, तो वही आएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, क्या होता है फार्मूला, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ऊपर वाली रकम को आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 को 3 से करें, माइनस 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस
दो को आयोटा से किया टू आयोटा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस सेवन को थ्री से किया ट्वेंटी वन आयोटा, माइनस माइनस प्लस सेवन को वन से किया सेवन, इसके साथ क्या है कुछ भी नहीं है तो वन है, सेवन वन सेवन आयोटा 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 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आई। नीचे क्या आ गया, नाइन माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस सिक्स आ गया। माइनस, ठीक, प्लस टू आयोटा माइनस ट्वेंटी वन आयोटा क्या आएगा, शाबाश बोलेंगे बच्चों, माइनस नाइनटीन आयोटा प्लस सेवन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, नाइन माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, माइनस सिक्स ठीक है, माइनस माइनस प्लस टेन हो गया, माइनस एक्स माइनस सेवन क्या आएगा, नीचे टेन, टेन दोनों के नीचे है तो अगला स्टेप होगा माइनस थर्टीन पर टेन माइनस नाइनटीन पर टेन आयोटा। दिस इज दी आंसर बच्चों, ये आंसर आ गया है, नोट्स में डालेंगे इसको, नोट्स में डालेंगे बच्चों, स्क्रीन शॉट लें, मैं चेक करूं कि वीडियो सही बन रही है, आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ, तो माशाल्लाह आपको दिखाई दे रहा है अल्लाह के फजल से। चलें तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया करें आप, बग़ैर वीडियो को एडिट किए इसको आप, मैं क्या तेज़ तेज़ करूँ, थोड़ा सा इंतज़ार, सब्र भी तो बंदे को करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव है, वन प्लस आयोटा बच्चों, ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है, देखते जाएं जल्दी जल्दी, वन प्लस आयोटा वन माइनस आयोटा, इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे वैसे ही जैसे हम पहले करते रहे हैं, वन प्लस आयोटा वन माइनस आयोटा था, इसका उलट वन प्लस आयोटा जो इधर वही इधर, ऊपर होल स्केयर। अब क्या करें, वन प्लस आयोटा को वन प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, वन प्लस आयोटा और नीचे वन माइनस आयोटा, वन प्लस आयोटा और ऊपर इसका क्या है बच्चों, होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो वन प्लस आयोटा इसको मल्टीप्लाई कर दो, वन को वन के साथ, वन को आयोटा के साथ, आयोटा को वन के साथ, आयोटा को आयोटा के साथ, वो भी ठीक है, या आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये देखो यार ये दो दफ़ा लिखा हुआ है, वन प्लस आयोटा, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, वन प्लस आयोटा का होल स्क्वायर दो दफ़ा लिखा हुआ है ना, तो इसका स्क्वायर लिख दिया, टू दो दफ़ा लिखा हो तो मैं लिख सकता हूँ ना टू का स्क्वायर, टू मल्टीप्लाई टू, ठीक है, तो इस तरह ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे आपको तरीका आसान लगता है वैसे कर रहे हैं, कोई मसला नहीं उसमें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वन वन ज़ार वन आएगा, वन को आयोटा से किया तो आयोटा आएगा, आयोटा को वन से किया आयोटा आएगा, वन प्लस आयोटा को आयोटा से किया आयोटा स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला भी यहाँ लगा रहे, फार्मूला ए स्क्वायर वन ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आता है ना आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक भाई, ए प्लस बी का ये फार्मूला है बच्चों, ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब देखो वन प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस टू आयोटा आ रहा है, इधर भी देखो क्या आएगा, वन माइनस आयोटा वन प्लस आयोटा फार्मूला लग रहा है कौन सा, ये देखो ए प्लस बी हो ए माइनस बी हो, इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ये ए है माइनस ये बी है स्क्वायर, ठीक हो गया, ऊपर ऑल स्क्वायर वो तो चल रहा है साथ साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम बच्चों, और अब क्या करेंगे, वन और ये आयोटा और आयोटा मिलकर दो आयोटा हो गई, टू आयोटा, ठीक है, प्लस
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, ठीक हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? माइनस वन। तो अब आप यहाँ पर देखें, वन प्लस टू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन। यहाँ भी देखें, ये मैंने, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बच्चों, ये मैं आपको ये बता रहा था कि इसका स्क्वायर लें तब भी वही आता है और स्क्वायर ना लें तब भी वही आता है। वन प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? माइनस वन प्लस टू आयोटा। ये प्लस वन माइनस वन कट जाएगा तो क्या आएगा? टू आयोटा। तो मल्टीप्लाई आपने किया तब भी आप देखें क्या आएगा? टू आयोटा ही आएगा। ये बता रहा था कि दोनों तरीक़ों से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। फार्मूला लगा दें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन माइनस वन कैंसिल, टू आयोटा माइनस माइनस प्लस टू आ गया बच्चों, स्क्वायर टू टू से कैंसिल, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस वन, माइनस वन इसका आंसर आ गया। नोट्स में डालेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर्स में आते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं लाजमी, और आप तो स्मार्ट सिलेबस भी नहीं है। चलिए बच्चों, आज पढ़ना है हमने ज़्यादा ज़्यादा, आज हमने ज़्यादा ज़्यादा पढ़ना है, इसको नोट करेंगे बच्चों, जल्दी जल्दी नोट करेंगे इसको, जल्दी जल्दी नोट करेंगे। चले स्क्रीन शॉट ले लिया करें या पॉज कर लिया करें, पहले खुद से यार सॉल्व किया करें, उसके बाद अगर ना हुआ करें तो तब आप वीडियो देख लिया करें, खुद से पहले सॉल्व किया करें, गलतियों से इंसान सीखता है बच्चों। अच्छा आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स है, लास्ट पार्ट। चले टू प्लस थ्री आयोटा वन माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, टू वन ज़ार टू माइनस टू आयोटा प्लस थ्री आयोटा प्लस माइनस माइनस थ्री आयोटा स्क्वेयर, वन डिवाइड बाई टू प्लस माइनस माइनस तीन में से दो के एक आयोटा, ठीक है। बड़ी रकम सात प्लस का निशान है, प्लस आ गया, माइनस थ्री आयोटा स्क्वेयर माइनस वन। यहाँ तक समझ आ गई आपको? आगे तो यार मैं तुम्हें खुद दे दूँ तो तुम खुद भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आगे तो वही है जो पहले हम करते रहे हैं, लेकिन अब चूँकि स्टार्ट किया है तो एंड भी इसको हम भी करेंगे, मैं ही इसको, हमज़ा नवाज़ इसको एंड करेंगे। मेरा नाम है हमज़ा नवाज़। वन डिवाइड बाई फाइव प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करें फाइव माइनस आयोटा से, और फाइव माइनस आयोटा से क्या करें? डिवाइड भी करें। भाई फाइव प्लस आयोटा है, इसका उलट फाइव माइनस आयोटा मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, आगे यही करते हैं इसको, उधर हम नहीं जा रहे, इधर ही हम करेंगे। वन को फाइव माइनस आयोटा से किया, क्या आएगा? फाइव माइनस आयोटा, फाइव प्लस आयोटा, फाइव माइनस आयोटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला लगा दें, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, फाइव माइनस आयोटा ट्वेंटी फाइव माइनस आयोटा स्क्वेयर। ट्वेंटी फाइव माइनस माइनस प्लस, चले क्या याद करेंगे, पूरी पूरी स्टेप करते, ट्वेंटी सिक्स, ठीक है बच्चों। तो ये इसका आंसर आ गया फाइव बाई ट्वेंटी सिक्स माइनस आयोटा बाई ट्वेंटी सिक्स, या वन बाई ट्वेंटी सिक्स आयोटा, ठीक है। नोट करेंगे इसको, नोट्स में डालेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।